नमस्कार, मैं हूं नीलम चौहान। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर लगातार कोयलांचल में विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ देखे जा रहे हैं। आपको बता दें, 21 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और दिल्ली के इतिहास में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज्यादा हो गए हैं, जिसके कारण विरोध और भी तेज हो गया है। कोयलांचल धनबाद में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर बीते कुछ दिनों से लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज धनबाद जिला युवा संघर्ष की ओर से आज कोयलांचल की सड़कों पर ट्रैक्टर को रस्सी से खींचा गया और बाइक की शव यात्रा भी निकाली गई। मीडिया से बात करते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार संभव ने बताया कि कोरोना का कहर काल में एक और जहां लोगों का रोजगार छिन गया है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, वहीं इसी समय केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने के बाद गरीबों पर दोहरी मार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों से सभी आवश्यक सामग्रियों की भी दाम बढ़ेगी और जिसका सीधा असर गरीबों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार को गरीबों की तरफ ध्यान देते हुए बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को तुरंत वापस लेना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो आगे आने वाले समय में युवा कांग्रेस और भी जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होगी। आज धनबाद जिला युवा कांग्रेस की ओर से आप लोग सभी जान रहे हैं, इस तरह से देश में आज 20वां दिन है लगातार पेट्रोल का और डीजल का दाम बेहताशा से वृद्धि हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मोदी सरकार, इन्होंने कहा कि हमने जो अभी जो कोरोना काल चल रहा है, सारा पब्लिक इससे त्राही त्राही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, चार महीना होने जा रहा है, सभी का काम धंधा बंद है, स्थिति बद से बदतर हो रखा है। तब उन्होंने देश को जुमलेबाजी की तरह से कहा कि हम आर्थिक पैकेज देते हैं। आप एक तरफ आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ जब तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो बहुत ज़्यादा कम गिर चुका है, फिर भी आप उसको बढ़ाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गरीबों को आपका कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हरास करने का काम कर रहे हैं। इस कारण से आज हम लोगों ने एक शांति तरीका से जो सरकार का पालन है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है, उसको पालन करते हुए हम लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया और मैसेज देने का काम किया कि मोदी जी, आप गरीबों के बारे में सबसे उनके हितैषी हैं, उनके बारे में अगर आप सोचते हैं तो जल्द से जल्द ये पेट्रोल डीजल के दाम पर जो आपने बढ़ा रखा है उसको कम कीजिए, नहीं तो महंगाई और चरम पर रहेगा। चूँकि पेट्रोल डीजल दाम ऐसा जो हम लोगों का मूल्य सबसे बड़ा जो जोड़ी का सामान पेट्रोल डीजल है, और अगर इसकी महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो अन्य जो सामान है उसकी भी दाम बढ़ते चले जाएगी और गरीब होते चले जाएंगे और जो देश की जो स्थिति है बद से बदतर हो जाएगा। तो मैं युवा कांग्रेस की ओर से डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द जो रेट आपने बढ़ा रखा है इसे कम करने का काम करें। मेरा नाम कुमार समर सिंह, जिला अध्यक्ष।